हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। तो मेरी जो सीरीज थी राग बेस्ड सॉन्ग्स ऑन हारमोनिका, तो उसी सीरीज के तहत ये मेरा दूसरा वीडियो है। और जो मैंने स्वर लिए थे हारमोनिका के ऊपर, बहुत से आप में से जो श्रोता हैं, लोग हैं, वो समझ गए होंगे जिनको म्यूजिक की नॉलेज है कि आज मैं बात करने जा रहा हूँ राग यमन कल्याण की। तो फ्रेंड्स, बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर हम हिंदी सॉन्ग्स की बात करें तो राग यमन कल्याण जो है ये एक बहुत ही फेमस राग है। बहुत सी कंपोजिशंस इस राग में की गई हैं। तो एक बार फिर वही चीज़ मैं दोहराऊंगा कि इस राग की अगर जानकारी की मैं बात करूं तो बहुत से सोर्सेज हैं जहां से आपको इसकी बिल्कुल डिटेल में जानकारी जो है मिल जाएगी। तो मैं वो जो जानकारी वाला पार्ट है, जितनी आपको जानकारी चाहिए एक तो वो बताऊंगा, दूसरा क्योंकि मैं ये वीडियो जो है हारमोनिका के रेफरेंस से बना रहा हूँ तो मैं कुछ एक बातें वो ज़रूर डिस्कस करूंगा जो हारमोनिका के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत से लोगों को वो चीज़ें जो हैं शायद ना पता हूँ। तो कोशिश करूँगा कि आपको नई चीज़ें बताऊँ इस राग के बारे में विद रिस्पेक्ट टू हारमोनिका। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा इस राग की डिटेल देख लेते हैं। ये जो राग है यमन कल्याण, तो कुछ लिटरेचर में इसको यमन बोला गया है, कल्याण बोला गया है, यमन कल्याण भी कहते हैं। तो खैर, उसके बारे में जो मुझे लगा कि ये एक ही राग के अलग अलग नाम हैं। तो ये जो राग है ये कल्याण थाट के ऊपर आधारित है। तो जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, 10 थाट होते हैं हमारे, उनमें से एक थाट है कल्याण। तो कल्याण राग या यमन राग जो है वो कल्याण थाट के ऊपर आधारित एक राग है। इसमें सभी स्वर जो हैं वो शुद्ध लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ माँ जो है माँ तीव्र लगेगा। तो सातों के सातों स्वर जो हैं इसके आरोह और अवरोह में आएंगे। तो उस हिसाब से जो इसकी जाति है वो संपूर्ण संपूर्ण होगी। तो जैसे लास्ट टाइम हमने भोपाली राग किया था, 5 स्वर आरोह में, 5 अवरोह में, तो उसकी जाति हमने देखा था औडव औडव है। उसी प्रकार इस राग की जाति जो है संपूर्ण संपूर्ण है। तो सभी के सभी स्वर जो हैं इसमें वो लगेंगे आरोह और अवरोह में। और जैसा कि मैंने बताया कि माँ जो है वो इसमें तीव्र लगेगा। तो ये कुछ एक टेक्निकल बातें हो गई, जाति मैंने बता दी। इस राग को जो गाने का समय है वो रात्रि का पहला पहर है और माँ तीव्र है। उसके अलावा बाकी सभी स्वर जो हैं वो शुद्ध हैं। बॉलीवुड सॉन्ग्स में जहाँ इस राग को यूज़ किया गया है, तो पिछली बार भी मैंने बताया था, क्योंकि जो सॉन्ग्स हैं वो लाइट म्यूज़िक की ज़्यादातर कैटेगरी में आते हैं, तो उसमें हो सकता है कि जो म्यूज़िक डायरेक्टर है या कंपोज़र है उसने खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से कोई ना कोई नोट जो है उसके अंदर एक्स्ट्रा डाल दिया हो। जैसे बहुत से सॉन्ग्स में आप देखेंगे कि तीव्र माँ के साथ साथ शुद्ध माँ का भी प्रयोग किया गया है। तो खैर, वो बात की बातें हैं। तो ये इस राग की थोड़ी सी जानकारी थी। अब हारमोनिका के हिसाब से मैं 2-3 बातें आपके साथ शेयर करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, माँ तीव्र आपने बजाना है, सिंपल। तो वो क्या करें हम उसको, सिंपली तो एक तो तरीका ये है कि नॉर्मली सारेगामा हम बजाते हैं, सी मेजर स्केल का हारमोनिका है, सी से सारेगामा बजाइए। जहां पे माँ आए वहां पे स्लाइडर प्रेस कर दीजिए, तो माँ तीव्रा बज जाएगा, सिंपल। एक जगह पे आपका स्लाइडर लगेगा। पहला तरीका ये है इसका बजाने का। दूसरा तरीका, अगर आप शॉर्टकट रूट अपनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं स्लाइडर बिल्कुल भी प्रेस ना करूं, उसके लिए आप जो इस हारमोनिका का एफ नोट है, सी स्केल हारमोनिका का एफ, या अगर नॉर्मल सरगम हम बजा रहे हैं तो उसमें माँ जो है, तो एफ नोट को आप सा मान लीजिए
और वहां से आप सभी नोट्स जो हैं F G A B C D E F, तो ये जो स्केल बन गया पूरा बिना स्लाइडर दबाए अगर आप बजाएंगे तो ये आपको यमन कल्याण के स्वर देगा। इसमें ऑटोमेटिकली जो इस स्केल में मा आएगा, अगर आप एफ को सा मान के बजा रहे हैं तो उसमें जो मा आएगा बिना स्लाइडर प्रेस किए वो आपका तीव्र मा होगा। तो एफ नोट जो है वो एक ड्रॉ नोट है, तो थोड़ा सा आपको वो देखना पड़ेगा कि सरगम जो है वो नोटेशन जैसे होती है, सा नॉर्मली ब्लो नोट होता है, तो यहाँ पे एफ के केस में वो ड्रॉ हो जाएगा। एक बार बजा के दिखाता हूँ। अभी तानपुरा जो है वो मैंने सी स्केल पे ट्यून किया हुआ है, इसकी आवाज़ को मैं स्लो इसलिए कर देता हूँ क्योंकि अगर मैं एफ पे बजाऊंगा तो फिर वो आपको बेसुरा जो है सुनाई देगा, तो तानपुरा को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया। तो एफ नोट कौन सा है, आपको लोअर ऑक्टेव से बजा के दिखाता हूं, इसको हम सा मान रहे हैं। वो आपको भली भांति ये चीज समझ में आ गई होगी कि बिल्कुल ये जो स्वर लगे हैं बिना स्लाइडर प्रेस किए ये राग यमन कल्याण के स्वर हैं। तो ये एक शॉर्टकट मेथड मैंने आपको बताया, अगर आप स्लाइडर नहीं लगाना चाहते तो यमन कल्याण पे आधारित जितने भी सॉन्ग्स हैं उनको आप एफ नोट से, सी स्केल हारमोनिका के ऊपर एफ नोट को सा मान के अगर वो बजाएंगे वो अपने आप से वो कल्याण या यमन राग जो है वो आ जाएगा। अब एक और इस राग की खास बात है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें हम एक तो मैंने आपको आरोह और अवरोह बजा के दिखा दिया, सारे गा मा तीव्र पा धा नी सा, सानी धा पा मा तीव्र गा रे सा, तो ये तो इसकी सिंपल जो है आरोह अवरोह थी। बट इस राग का एक सिग्नेचर है, हर एक राग का कोई ना कोई सिग्नेचर होता है, तो इसमें हम जब स्टार्ट करते हैं आप सॉन्ग्स में भी ये चीज देखेंगे, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा कि नी रे गा या नी रे सा, तो सा नोट जो है वो जनरली इंटेंशनली उसको मिस कर दिया जाता है तो वो नहीं बजाया जाता। मेजोरिटी ऑफ द सॉन्ग्स में भी ये चीज फॉलो की जाती है, तो वो नी रे गा या नी रे सा पे आ जाएंगे, नी सा रे गा ऐसे नहीं चलेगा वो। तो एक बार आपको थोड़ा सा वो सिग्नेचर जो है वो भी आपको बताता हूं, उसके बाद एक आध एग्जांपल लेंगे किसी सॉन्ग की। तो ये है नी रे गा, इसमें आप देखिए सा को मिस कर दिया गया, तो मेजोरिटी ऑफ द सॉन्ग्स में भी इस चीज को फॉलो किया गया है क्योंकि हरेक राग में कुछ ना कुछ एक सिग्नेचर ट्यून या नोट्स होते हैं तो वो हमको फॉलो करना पड़ता है। तो अगर सा पे आएंगे भी तो नी रे सा, तो ये चीज आपको ध्यान में थोड़ा रखनी भी पड़ेगी, और ध्यान में इसलिए रखनी पड़ेगी क्योंकि अगर आपको इस राग की नॉलेज है, आप बजा रहे हैं इसको, तो सॉन्ग्स में ये चीज फॉलो की जाती है, तो मा तीव्र और नी रे सा या नी रे गा, तो ये आप माइंड में रखेंगे तो आपको सॉन्ग को समझने में बजाने में आसानी होगी। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी हारमोनिका के लिहाज से। तो चलिए फ्रेंड्स एक आध सॉन्ग जो है अभी आपको इसके ऊपर मैं प्ले करके दिखाऊंगा। एक बहुत ही फेमस सॉन्ग चंदन सा बदन, तो अभी मैं उसको सी नोट से स्टार्ट करके बजा रहा हूँ। एक चीज आप और ध्यान में रखिएगा, अगर आप सी को सा मान के माँ के ऊपर स्लाइडर लगा रहे हैं माँ तीव्रा के लिए, उसमें आपको एक बहुत एडवांटेज रहेगा कि आप उसमें थोड़ी थोड़ी टंगिंग या कॉर्ड इफेक्ट दे सकते हैं क्योंकि इसमें सा गा और पा जो नोट हैं इस राग में वो शुद्ध हैं, तो वो एक मेजर कॉर्ड है तो वो एग्जैक्टली उसके ऊपर फिट बैठ जाएगा। अगर आप एफ से स्टार्ट करके कोई भी गाना बजा रहे हैं, एफ को सा मान के स्टार्ट करके नहीं सा मान के, तो उस केस में टंगिंग की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें, तो वो टंगिंग बेसुरा लगेगी।
तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ी बहुत आपको नॉलेज जो है इस चीज़ की होनी चाहिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप सी को सा मान के एक जगह पे स्लाइडर लगेगा बजा सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। तो चंदन सा बदन, ये पा से स्टार्ट हो रहा है, पा नोट से, तो नीरे सा धीरे से। तो इसमें आप देखो नी से सीधा रे के ऊपर जंप किया गया है, सिग्नेचर यहां पे सा पे आए हैं, तो वो सिग्नेचर से आपको पता चलता है कि ये राग जो है वो कौन सा है। तो थोड़ा सा इसीलिए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहा हूं कि ये जो चीज है बहुत से गानों में जो इस राग पे आधारित है तो फॉलो की जाएगी। चलिए एक और सॉन्ग जो है वो भी इसके ऊपर प्ले करता हूं। अगला सॉन्ग, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, तो ये भी इसी राग के ऊपर आधारित है। तो कंपोजर ने, जैसे मैंने पहले कहा था कि कोई एक आध नोट जो है वो खूबसूरती बढ़ाने के लिए ऐड कर दिया, बट जो स्ट्रक्चर है वो इसी राग का है। तो वो स्ट्रक्चर कहाँ से पता चलता है इस राग का, एक ही लाइन बजाऊंगा और उसमें वो सिग्नेचर जो है वो आएगा। अच्छा, वहीं सी स्केल से, सी को सा मान के, तो अभी ये जो गाना है ये गा से स्टार्ट हो रहा है, पिछले वाला गाना जो था वो पा से स्टार्ट हुआ था, ये गा से। तो आपने देखा नीरे गा, तो यहां पे भी सा को मिस करके सीधा नी से रे के ऊपर जंप किया गया। तो यही चीज मैं आपको दिखाना चाहता था एक लाइन बजा के इस सॉन्ग की। आगे आप जैसे चलेंगे तो माँ जो है वो स्लाइडर लगेगा, तीव्रा लगेगा, क्योंकि वो माँ तीव्रा जो है इस राग की पहचान है, जिस थाट के अंडर ये आता है। तो माँ तीव्रा तो एक चीज सभी को पता ही है, बट नी रे, तो नी से रे के ऊपर जंप जो करना है वो इस राग का एक सिग्नेचर है। तो मेजोरिटी ऑफ द सॉन्ग्स जो इस राग के ऊपर आधारित हैं उनमें आप ये चीज ऑब्जर्व भी करेंगे, और अगर माइंड में रखेंगे तो आपको वो सॉन्ग जो है बजाने का आनंद आएगा, आप उसको बहुत ज्यादा राग को एंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एक बातें थी जो मैं चाहता था आप सभी के साथ डिस्कस करना, राग कल्याण या यमन के ऊपर आधारित। तो इस राग के लिए सिर्फ इतना ही। तो हारमोनिका के हिसाब से कुछ एक बातें जो मैंने आपको बताई, तो आशा करता हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। और अपने अगले वीडियो में एक नया राग विद रेफरेंस टू हारमोनिका लेके तो जल्द ही आप सभी के रूबरू होऊंगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड बाय फॉर।